ऋतिक रोशन के पास इस वक्त 345 मिलियन डॉलर हैं, यानी 3101 करोड़ रुपए। तारीखी टीवी में आप प्यारे दोस्तों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में ऋतिक रोशन का लाइफस्टाइल बताएंगे और ये इतना पैसा कहाँ खर्च करते हैं ये भी बताएंगे। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के मोस्ट फेमस एक्टर हैं। ऋतिक रोशन 10 जनवरी 1974 को मुंबई में पैदा हुए। ऋतिक रोशन ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की। इसके बाद मुंबई कॉलेज में कॉमर्स में बैचलर्स किया। करियर, ऋतिक रोशन ने साल 2000 में पहली फिल्म कहो ना प्यार से करियर का आगाज किया। इनकी पहली फिल्म सुपर हिट हुई। इसके बाद दूसरी फिल्म फिजा बनाई, लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। इसके बाद 2000 में मिशन कश्मीर और यादें फिल्म बनाई, ये दोनों फिल्में सुपर फ्लॉप हुई। इसके बाद साल 2001 में कभी खुशी कभी गम फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड फेम हासिल किया और 300 करोड़ का बिजनेस किया। साल 2003 में ऋतिक रोशन ने एक और फिल्म कोई मिल गया बनाई। इस फिल्म ने भी वर्ल्ड वाइड फेम हासिल किया और पूरे 300 करोड़ का बिजनेस किया। साल 2003 के बाद ऋतिक रोशन की हर फिल्म ने फेम हासिल किया। इसके बाद साल 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म ने 800 करोड़ का बिजनेस किया। 2013 में अग्निपथ फिल्म आई, इस फिल्म ने 900 करोड़ का बिजनेस किया। साल 2019 में वार फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म ने भी खूब कमाई की। ऋतिक रोशन की मजीद फिल्मों में विक्रम विदे, क्रिश, फाइटर, धूम 3, क्रिश 3, सुपर 30, धूम, क्रिश 4, वार 2 और जोधा अकबर फिल्में शामिल हैं। फैमिली, ऋतिक रोशन के वालिद का नाम राकेश रोशन है और वालदा का नाम पिंकी रोशन है। अवार्ड्स, दोस्तों ऋतिक रोशन को आईफा अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, जी काइन अवार्ड्स और बॉलीवुड अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन अवार्ड्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। इनकम, ऋतिक रोशन की सालाना इनकम 260 करोड़ से ज्यादा है। मंथली इनकम 20 करोड़ से ज्यादा है। ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना 8 करोड़ कमाते हैं। एक फिल्म का 45 से 50 करोड़ चार्ज करते हैं। इसके अलावा 1250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जिससे सालाना करोड़ों रुपए की कमाई होती है। ईयरली नेटवर्थ, ऋतिक रोशन की साल 2018 में नेटवर्थ 1680 करोड़ थी, 2019 में 1980 करोड़, 2020 में 2230 करोड़, 2021 में 2410 करोड़, 2022 में 2745 करोड़ और साल 2023 में 3101 करोड़ नेटवर्थ है। सोर्स ऑफ इनकम, दोस्तों ऋतिक रोशन का सोर्स ऑफ इनकम मूवीज, ब्रांड एंडोर्समेंट, इन्वेस्टमेंट्स और शो होस्टिंग है। इसके अलावा इनका दिल्ली में रेस्टोरेंट भी है, जिससे सालाना लाखों रुपए की कमाई होती है। ब्रांड एंडोर्समेंट, ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू, बर्गर किंग, जोमैटो, कोरीफिट, हीरो होंडा, राडो, टाटा टीगर, कोका कोला, व्हाइट हैड वगैरह की प्रमोशन करते हैं और सालाना 8 करोड़ कमा लेते हैं। कार्स कलेक्शन, ऋतिक रोशन के गैराज में लग्जरी कार्स मौजूद हैं। इनके पास रोल्स रॉयस गूस्ट सीरीज 2, मर्सिडीज बेंस एस क्लास, मर्सिडीज बेंस मे बैच S600, ऑस्टन मार्टिन रैपिड एस, मिनी कूपर, 2006 पोर्शे काइनी टर्बो, लैंड रोवर, रेंज रोवर, फरारी 360 मॉडर्न, 1966 फोर्ड मुस्टैंग शामिल हैं। इन तमाम कार की कीमत 25 करोड़ से भी ज्यादा है। एसेट्स, ऋतिक रोशन अकेले 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और पार्टनर्स के साथ मिलकर 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन के अराउंड द वर्ल्ड अपार्टमेंट्स हैं, जिनकी वैल्यू 50 करोड़ से भी ज्यादा है। ऋतिक रोशन के मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली में 84 करोड़ की अराजी मौजूद है। हाउस, ऋतिक रोशन का मुंबई में घर है, जिसकी कीमत 25 करोड़ से ज्यादा है। ये घर अक्षय कुमार के घर के बराबर में है। इन तस्वीरों में आप इनका घर देख सकते हैं। तो ये था ऋतिक रोशन का लाइफस्टाइल। आपको ये लाइफस्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। मजीद ऐसी लाइफस्टाइल वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें।